हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा पाटिल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेडीमेड आइसक्रीम प्रीमिक्स से आइसक्रीम बनाने का आसान तरीका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ एक पतीला ले लिया है, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से गीला कर लेंगे ताकि हम जब इसमें दूध डालें तो हमारे पतीले में चिपके नहीं। और ये देखिए, यहाँ मैंने दूध लिया है, मैंने अमूल गोल्ड लिया है। आप चाहे तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं। अमूल गोल्ड का दूध गाढ़ा रहता है और फुल फैट रहता है, इसलिए आइसक्रीम बनाने के लिए जब तक बन सके यही दूध यूज़ करें। अब देखिए, यहाँ मैंने आइसक्रीम प्रीमिक्स लिया है, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी। ये 40 से 50 रुपए का पैकेट आपको मिल जाएगा और इस पर बनाने का तरीका भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो आप चाहे तो इसे पढ़कर भी बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से पैकेट में मिलता है। यहाँ मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, मैंने एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देख लिया था, तो आपको खुला पैकेट दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से हम दूध में डाल देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें सब कुछ मिला हुआ आता है, लेकिन जब हम आइसक्रीम को जमाते हैं फ्रीजर में तो आइसक्रीम थोड़ी फीकी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चीनी। आधा लीटर दूध में 2 चम्मच चीनी डाल लीजिए, आपकी आइसक्रीम बेस्ट बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम मिक्स कर देंगे सारे प्रीमिक्स को ताकि नीचे चिपके नहीं है। गैस हमारा अभी भी बंद है, ये बंद गैस पर ही आपको सारी प्रोसेस करनी है। अब हम करेंगे गैस ऑन और पतीले को वापस से रखेंगे इस पर और इसमें आने देंगे बढ़िया सा उबाल, लेकिन इसे अच्छे से चलाते रहे वरना नीचे चिपक जाएगा। तो ये देखिए, इसे पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, लगातार इसे चलाते रहें मीडियम आंच पर और यहीं खड़े होके इसे पकाए। तो यहाँ देखिए, हमारे प्रीमिक्स में उबाल आ चुका है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लग चुका है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस। वैसे तो इसमें सारे एसेंस वगैरह सब डले हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए डालेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम टेस्टी बनकर रेडी हो। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसे पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरह गाढ़ा हो चुका है कि चम्मच पर इसे उल्टा करें तो लेयर जम जाए, यानी कि हमें इसे अच्छे से गाढ़ा करना है बेस को। अब हम इसे होने देंगे ठंडा और फिर रखेंगे इसे फ्रिज में, लेकिन ठंडा होने तक आपको इस तरह से चलाते रहना है वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और जो मलाई की परत है वो जम जाएगी। तो ये देखिए, मेरी कुल्फ़ी बेस ठंडी हो चुकी है, अच्छे से जम चुकी है। 3 से 4 घंटे तक मैंने इसे रखा था फ्रीजर में। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डालेंगे हमारा सारा ये कुल्फ़ी बेस, आइसक्रीम बेस डालेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, एक बार हमने इसे पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी इसका बेस बनकर रेडी हुआ है। इसमें ना तो हमने फ्रेश क्रीम डाली है ना ही कंडेंस मिल्क डाला है, फिर भी कितना बढ़िया बेस बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे मलाई घर की। तो देखिए, घर की मलाई तो सभी के पास होती है, ये मैंने 2 दिन तक इकट्ठी की थी घर की मलाई। अब हम इसे एक बार और पीस लेंगे और ये देखिए कितना क्रीमी, कितना सॉफ्ट हमारा कुल्फी बेस बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह आप भी बनाइए और सबको खिलाइए अपने परिवार में। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है अब आइसक्रीम। तो चलिए, अब हम लेंगे एक कंटेनर इस तरह से प्लास्टिक का और उसमें डाल देंगे हमारा ये कुल्फी बेस सारा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, आप चाहे तो काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आप डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं। अब हम इसे लगा देंगे एयर टाइट ढक्कन। तो ये देखिए, इस तरह से रिंग वाला ढक्कन होना, अगर आपके पास रिंग वाला ना हो तो आप इस पर एक प्लास्टिक की शीट लगाएं ताकि इस पर बर्फ़ ना जमे। यहाँ देखिए, थोड़ा सा बेस बच गया था तो मैंने दूसरे कंटेनर में भी जमा दिया है, उसमें भी डाल कर रख देंगे हम। इसको भी एयर टाइट ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें बर्फ ना जम पाए। ये देखिए, रिंग वाला ही इसका ढक्कन भी है। अब हम इसे रख देंगे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में। तो यहाँ देखिए, ये दूसरे दिन का वीडियो है,
तो मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं अपने वीडियो की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हर क्रिएटर को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें हर क्रिएटर को। तो ये देखिए इस तरह से मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ज़रा सा भी गलत हो जाता है तो फिर पूरा डिलीट करना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से हो चुका है, और अब हमारी आइसक्रीम भी जमकर रेडी हो चुकी है। तो अब इसे देखते हैं। वाह, कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इस तरह से मैं तो चम्मच से निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो आइसक्रीम निकालने वाला नहीं है। मैं इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, मैं अभी अभी काम करना शुरू किया है मैंने। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ अपने सारे वीडियोज़। अगर आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट में बताया करें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए आप करते हैं पूरे परिवार के साथ इंजॉय, और खाते हैं गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो ये लीजिए, पहले आप लोग खाइए फिर मैं खाऊंगी। वाव, क्या आइसक्रीम बनी है, मज़ा आ गया, एकदम मज़ेदार बनी है, एकदम ठंडी ठंडी क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली आइसक्रीम बनी है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं, बाय।